नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोग गुणनखंड के बारे में जान चुके हैं। आप विभिन्न तरीकों से गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल विधि में गुणनखंड बनाना तो आप जान ही गए होंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको 6 के गुणनखंड, गुणा में खंड, यानी कि गुण, जब हम गुणा में किसी वस्तु के भाग या हिस्से करते हैं तो उन्हें हम गुणनखंड कह सकते हैं। जैसे कि 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, यहाँ पर 4 को किससे गुणा करेगी, 6 आए। ऐसी हमारे पास कोई संख्या नहीं है कि 4 से गुणा करने पर हमारे पास 6 आएगा। तो ये 4 जो है ना, वो 6 का गुणनखंड नहीं है। हमने आयत के माध्यम से भी आपको बताया था कि एक एक, देखो ये 6 बन गए हमारे पास, और ये अगर हम 2 2 की बनाएं तो ये देखो, ध्यान से देखो आप, ये पूरी 3 की, अगर हम 3 3 से बनाएं तो ये भी पूरी पूरी बन गई। अगर हम 4 से बनाएं, 4 और 2, तो ये हमारे पास देखिए इस प्रकार से रहता है। अगर हम 5 से बनाएं तो 5 और ये 1, ये भी इस प्रकार से रहता है, एल बनता है। तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। और 6 से भी हमारा पूरा एक ये बन गया, सीधा बन गया। तो इस प्रकार से 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6। इसी प्रकार चलिए हम 8 के गुणनखंड देखते हैं। 8 को गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 8, 2 गुणा 4। क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है? बच्चों 8 को अगर हम 3 से भाग करें, 3 दूनी 6 और 2 बच गया शेष, यहाँ पर शेष बच गया। कैसे, ये 3 3 के हम बनाएं, 3 3 और ये 2 बच गए शेष। तो यहाँ पर ये उसी प्रकार से, ये देखो आयत नहीं बनी, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं है। क्या 4 गुणनखंड है, चलो देखते हैं। 8 को 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा आ गया, यानी कि 4 इसका पूरा पूरा विभाजक है। 8 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। ये देखिए, अगर हम 4 से इसके आयत बनाएं तो देखो ये पूरी पूरी बन जाती है हमारी। ये 4 से हमारे 2 बराबर बराबर हिस्से बन जाते हैं, तो 4 इसका एक गुणनखंड है। क्या 5 गुणनखंड है इसका, चलो देखते हैं। अगर हम 5 से करें, देखो ये 5 आ गए ना, 5 से भाग करके भी देख सकते हैं आप, 5 एकम 5 और 3 बच गया हमारा शेष, तो 3 ये नीचे बच गए हमारे। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा विभाजक नहीं है, 5 8 का विभाजक नहीं है, इसलिए 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है। क्या 6 गुणनखंड है, चलिए देखते हैं, 6 से इसको भाग करके देखते हैं। फिर 8 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 पे गया 6 एकम 6, 2 बच गया शेष। अगर हम इसके ग्रुप बनाएं तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 बचते यहाँ पर आ गए। इस प्रकार से ये ऐसा चित्र बनता है, यहाँ पर ये आयत नहीं बनता, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। और 6 6 की बराबर बराबर भागों में नहीं, हम नहीं बांट सकते, इसलिए 6 भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार जब 7 से करते हैं 8 को भाग, तो ये भी इसका पूरा पूरा विभाजक नहीं है, 1 बचेगा शेष। जब हम 7 से ऐसे करते हैं, 3 4 5 6 7 और 1 बचेगा शेष, यहाँ इससे भी ये एल बनता है, तो ये भी 7 भी इसका विभाजक नहीं है। तो प्यारे बच्चों 8 के विभाजक कौन कौन से हैं, एक तो 1 और 8 के लिखेंगे, 8 के गुणनखंड, गुणा में खंड कौन कौन से हैं हमारे, एक तो 1 आ गया, क्योंकि 1 1 से पूरा बनता, 2 2 आ गया, 2 2 के हमने 4 लाइनें पूरी बना दी थी, 2 2 2 2 4 बराबर आ गया था, 3, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 इसका विभाजक नहीं है और 3 गुणनखंड भी नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये 3 3 और ये 2 बच गया शेष, तो ये पूरा पूरा नहीं होता।
अगर इसको हम भाग करें तीन से, तीन दूनी छः और दो बच गया शेष, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो इसलिए तीन इसका विभाजक नहीं है और तीन इसका गुणनखंड भी नहीं है। तो क्या चार है? चलो चार से करके देखते हैं। चार एकम चार, चार दूनी चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, दो पे गया ना, ये देखो जीरो बच गया शेष यहाँ पर, यानी कि चार चार के हम दो ग्रुप बना सकते हैं, ये आयत ही बन सकती है। तो चार इसका विभाजक है और चार इसका गुणनखंड भी है। क्या पांच गुणनखंड है? अगर हम पांच से भाग करेंगे, पांच एकम पांच, तो तीन बचेंगे ना, पांच और तीन, तो लाइन पूरी नहीं है, अपनी लाइन पूरी करनी है ना यहाँ पे, ये पांच और ये तीन, तो ये लाइन पूरी तो नहीं बनी हमारी। जहां पर ये लाइन पूरी बनेगी, दो लाइन बने चाहे तीन लाइन बने चाहे चार लाइन बने, कितनी भी लाइन बने, जहां पर आपकी लाइनें पूरी बनेंगी तो वो गुणनखंड है, और जब ये बीच में रह जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी, तो वो गुणनखंड नहीं है। तो पांच इसका गुणनखंड नहीं है, नहीं लिखेंगे। क्या छः है? छः की भी देखेंगे इसी प्रकार करके, छः एक लाइन में छः आ गए, और फिर कितने बच गए? आठ थे ना, दो बच गए, दो यहाँ आ गए, तो ये भी पूरी नहीं हुई, छः भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार सात भी नहीं है, और आठ में देखो ये लाइन, एक लाइन पूरी बन गई बच्चों, तो ये इसलिए आठ इसका गुणनखंड है। तो ये आठ के गुणनखंड कितने आ गए? एक दो चार और आठ। इसी प्रकार से हम और सवाल देखते, दस के करते हैं। दस के गुणनखंड करें, चलो करते हैं मेरे साथ, कीजिए आप भी। अगर हम लाइन लगाएं एक एक की, देखो एक 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 पूरी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये बन गई ना पूरी सीधी की सीधी, बिल्कुल एक तो बन गया फिर गुणनखंड। अगर हम दो दो के करने लगे, दो 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 दो, दो चौके आठ और दो पंजे दस, अगर भाग भी करके देख सकते हैं, दो से भाग करेंगे, दो पंजे दस, तो जीरो बच गया शेष, तो शेष कोई बचा ही नहीं। देखो ये पूरे पूरे पांच पांच आ गए, एक दो इस लाइन में, दो चार दो छः दो आठ दो दस, तो दो भी इसका पूरा पूरा विभाजक है। क्या तीन है? चलो करके देखते हैं चित्र के माध्यम से भी। तीन 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 छः तीन नौ और एक यहाँ बच गया, तो ये देखो इस प्रकार से ये आ गया, ये पूरा नहीं बना हमारा, ये पूरा खाना नहीं बना। अगर विभाजक विधि देखते हैं, तीन तिया नौ, तो यहाँ पर भी एक शेष बचता है, और इस तरीके से भी एक शेष बचता है, तीन इसका विभाजक नहीं है और तीन इसका गुणनखंड भी नहीं है। ध्यान आपने यही देना है कि जहाँ पूरी पूरी आयत बनेगी, यहाँ पर दो गुणा पाँच की आयत बनी, इसकी दो भुजा, इसकी पाँच भुजा है, यहाँ पर इसकी लंबाई दो है, चौड़ाई पाँच है इस आयत की, तो ये आयत बन गई हमारे पास। यहाँ पर आयत नहीं बनी, ये देखो ये थोड़ा बढ़ गया ना इससे, कहाँ बनी आयत फिर, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। चलो चार से देखते हैं। अगर दस को हम चार से भाग करते हैं, इस पर चित्र के मदद से देखो, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार और दो बच गया शेष, तो देखो ये दो बच गया ना यहाँ पे, तो ये इसका विभाजक नहीं है, इससे क्लियर पता चलता है आपको। और फिर इससे भी देख सकते हैं, चार दूनी आठ, दो बच गया शेष, तो ये चार इसका विभाजक नहीं है। पाँच देखते हैं, चलो एक दो तीन चार पाँच, हमारे पास दस थे ना, तो पाँच बच गए, पाँच दूसरी लाइन में आ जाएंगे, पाँच और पाँच हो जाएंगे हमारे दस, तो ये आयत बन गई हमारी, इसकी लंबाई पाँच और चौड़ाई दो है, तो इसको भाग भी करके देख सकते हैं, पाँच दूनी दस, ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो इसका मतलब पाँच भी इसका एक विभाजक है। तो क्या छः विभाजक है बच्चों? करके देखें अगर आप, तो छः से करके देख सकते हैं आप। कैसे करके देखेंगे? छः से छः, एक लाइन में छः आएंगे और दूसरे लाइन में कितने आएंगे? फिर चार बच गए ना, तो एक लाइन में छः आ गए, फिर कितने बच गए? चार, तो ये चार, यहाँ पर ये कहाँ बनी हमारी? नहीं बनी ना पूरी पूरी, तो छः इसका फैक्टर नहीं है, छः इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार सात भी, इसमें सात आएंगे, इसमें तीन आएंगे, जब हम आठ से करेंगे तो इसमें आठ, इसमें दो, जब हम नौ से करेंगे इसमें नौ, इसमें एक, और जब दस से करेंगे ना, तो पूरी एक लाइन बन जाएगी, और दस भी इसका एक फैक्टर है। इसी प्रकार से आप अठारह के फैक्टर कर सकते हैं। चलो दस के फैक्टर हो गए आपके, करने आ गए आपको, एक के भी कर सकते हैं, दो के भी कर सकते हैं, तीन के भी कर सकते हैं आप, चार के भी कर सकते हैं, पाँच के भी कर सकते हैं, अठारह के देखते हैं हम। चलो एक बार, एक का तो आपने अभी देखा, जब आपने दो के फैक्टर किए तो एक और दो बना, बनाया ना, क्योंकि एक 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 का तो बना सकते हैं हम। देखो ये एक और ये एक, ये बन गया ना हमारा, एक आयत बन गई हमारी सीधी, दो से ये दो की बन गई, बस ये दोनों ही बन गई। तीन से देखते हैं, ये एक से बन गई, एक आयत नहीं बनी, तो दो इसका गुणनखंड नहीं है, एक तो एक है और एक से देखो तीन से ये बन गई हमारी,
तो 3 20 का ही गुणनखंड है। क्या 4 है? 4 के देखते हैं, 4 के देखते हैं, 1 1 1 1, ये तो बन गया हमारा क्लियर, एक गुणनखंड आ गया। 2 के देखते हैं, 2 पहली लाइन में, 2 दूसरी लाइन में, तो ये भी एक आयत है, 2 भी है। अब 3 से देखते हैं, ये 3 और ये बचा हुआ 1 यहाँ पर आ गया, ये इसका गुणनखंड नहीं है, 3 गुणनखंड नहीं है। 4 से देखते हैं, ये देखो 4 इसका गुणनखंड है, तो 4 के गुणनखंड कितने आ गए, 1 2 और 4। अब इसी प्रकार से आप 5 के कर सकते हैं, 5 के मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, फिर बाकी आपने खुद करने हैं। ये देखो 5 से 1 का तो बनेगा ही बच्चों। 2 से देखते हैं, 2 पहली लाइन में, 2 दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, यहाँ पर ये 2 से नहीं बनता, ये 2 से नहीं बनते। अब 3 से देखते हैं, पहली पंक्ति में 3, फिर 2 बचे हुए अगली में, ये 2 3 से भी नहीं बनते, 3 भी इसका गुणनखंड नहीं है। अब 4 से देखते हैं, देखो 4 से भी नहीं बनते। अब 5 से सीधी आपकी एक लाइन बनेगी, ये देखो 5 से बन गया, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, एक तो 1 आ गया और 1 5 आ गया। इसी प्रकार 6 के 7 के आप गुणनखंड करें, चलो हम 18 के गुणनखंड देखते हैं सीधा ही। अब हम सीधा ही गुणा के माध्यम से पढ़ाएंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विभाजन विधि से 18 के गुणनखंड, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं आपको, करने खुद आपने कितना आ गया, एक तो 1 आ गया, एक तो सब में आएगा, फिर आगे देखो क्या 2 आएगा बच्चों। विभाजक विधि से करें, 18 को 2 से भाग करें, 2 निमे 18, तो ये पूरा पूरा भाग होगा, शेष कुछ भी नहीं बचा। अगर इसकी हम आयत बनाएं तो 2 2 2 2 की 9 बनेंगी हमारे पास, ठीक है ना, तो 2 निमे 18, तो 2 गुणा 9 भी होता है, तो 2 इसका एक गुणनखंड है। क्या 3 है, इसको 3 से भाग करके देख सकते हैं आप, 3 छिके 18 ये आ गया, तो 3 भी इसका विभाजक है। अगर 3 3 ही करें हम, 3 3 3 3 3 छिके 18, तो 6 लाइन आएंगे ना, तो 3 इसका विभाजक है। क्या 4 है, 18 को 4 से भाग करके देखते हैं, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो 4 पे गया ना हमारा भारत, 2 बच गया शेष। इसको दूसरे तरीके मैं बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 और ये 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18। देखो ये ध्यान से, ये बड़ा आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इस विधि से करें तो ये 4 इसका गुणनखंड नहीं है, 4 को यहाँ हम नहीं लिखेंगे। अच्छा बच्चों क्या 5 है, आप सीधा ही कर सकते हैं, हम तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 पहली लाइन में, 5 दूसरी लाइन में, 5 तीसरी लाइन में, और बचेंगे कितने, 3, तो आयत नहीं बनेगी, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है। क्या 6 है, सोचो, पहली लाइन में 6, दूसरी में 6 और 6 12 और 6 18, तो देखो 3 लाइन बनेगी ना, 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 6 6 की 3 लाइन बनेगी, तो 6 इसका गुणनखंड है। 7 बताओ, 7 दूनी 14 और बच के 4 नहीं है, इसी प्रकार से 8 भी नहीं है। 9 पे देखो, 9 दूनी 18, तो 9 9 की 2 बनेगी ना, तो 9 इसका गुणनखंड है, और आगे फिर 10 11 12 नहीं है। इस क्रम को हम दोबारा ही देख सकते हैं कैसे, जैसे 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, बस अब और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 से रिपीट हो गए ना ये, तो 1 2 3 6 9 और 18। इसी प्रकार जल्दी जल्दी में आप 24 के गुणनखंड लिखेंगे, 24 के गुणनखंड जल्दी जल्दी में करें, एक बार सोचिए जरा, पहले हम पहाड़े पढ़ के करेंगे, एक तो बनेगा ही 24 एकम 24, तो 1 गुना 24 और 2 पे देखो, 2 पे जाएगा क्या, मैंने बताया था भाग करके देख सकते हैं, 2 पे करेंगे, 2 एकम 2, 0 उतार लिया 4, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 12, यानी कि 2 गुणा 12 12 दूनी 24 कह सकते हैं, 3 8 24, 4 6 24 और 5 के बारे में आता है क्या, 5 5 25 होते हैं, तो 5 5 के अगर हम बनाने लगे तो ये 5 5 10 5 15 5 20 और 4 बचेंगे, तो 5 का वाला नहीं बनेगा, तो फिर 6 से बनेगा, 6 6 12 6 18 6 24, तो यहाँ से रिपीट होने लगेंगे, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आ गया हमारा 24 के गुणनखंड। कितने आ गए बच्चों, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये आ गए 24 के गुणनखंड।